नमस्ते, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मेरा नाम अर्चना है। दोस्तों, हम देखते हैं कि आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में लोगों को विभिन्न विभिन्न मानसिक अवस्था से और डिप्रेशन से गुजरना पड़ता है। इसमें कहीं ना कहीं जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, जॉब करने वाले होते हैं, या फिर हर एक एज के लोग होते हैं, उन्हें अलग अलग मानसिक समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। आज हमारे पास जो क्लाइंट आने वाला है वो एक स्टूडेंट है। वो स्टूडेंट एन्जाइटी से गुजर रही है, लेकिन उसे पता नहीं है कि उसे एन्जाइटी हुई है। उसकी जो भी समस्या है वो आज हम इस वीडियो में सुनकर लेंगे और देखते हैं कि उसे ऐसा क्यों हो रहा है और वो इस मानसिक अवस्था से निकलने के लिए क्या प्रयास कर रही है, और इस मानसिक अवस्था से निकलने के लिए हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। इसका हम प्रयास करेंगे कि वो इस मानसिक अवस्था से जल्दी बाहर आए। तो चलिए हम उससे बात करते हैं और देखते हैं कि हम उसकी किस प्रकार मदद करके उसे इस एंजाइटी से बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम उस स्टूडेंट से। हेलो बेटा। हेलो मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? जी मैडम, अच्छी हो? अच्छा, खाना वगैरह खाया? हाँ मैडम, खाना खाया। अच्छा, सीधा स्कूल से आ गई हूँ। कौन से स्टैंडर्ड में आप? अब मैम मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ। ओके, कौन सी स्कूल में? आपके स्कूल का नाम क्या है? सेंट सेबेस्टियन। ओके, घर में कौन कौन है बेटा आपके? मेरी माता जी है और दादी भी रहती है। मेरे छोटा भाई है, अभी वो 4 साल का है, वो छोटा भाई। अच्छा। और मैं हूँ और मेरी माँ है। अच्छा, ओके। बाकी फिर कैसे चल रहा है पढ़ाई? घर के सब लोग कैसे हैं? फ्रेंड्स वगैरह कैसे चल रहा है सब? हाँ पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, ज़्यादा नहीं करती हूँ पढ़ाई। ऐसे मत करो, आप शांत शांति से बैठ सकते हो। आप ऐसे हाथ रख के, कोई नहीं, ऐसे अपनी दीदी समझो, मुझे बड़ी दीदी समझो, शांति से बैठो। पानी वगैरह कुछ चाहिए? नहीं नहीं ओके, चलो। तो फिर अब बताओ, आप किस कारण से यहाँ पर आए हैं? नहीं जानती हूँ मैडम कि मुझे अचानक अजीब सी ऐसी घबराहट हो जाती है। मैं आपके हाथ पर भी कांप रहे, आप शांति से बैठ जाओ। क्यों होती है, किस वजह से होती है, मुझे हमेशा डर लगा रहता है। और स्कूल निकलते वक्त भी, हाँ मैंने ये किया है क्या, मैंने ये नोटबुक ली है क्या, ये डर मेरे मन में रहता है। आज टीचर डांटेगी तो नहीं ना, आज मैं ठीक से बात कर पाऊंगी ना, ये हमेशा मेरे मन में चलता रहता है। अच्छा, और ये कब से हो रहा है ऐसे आपको? जब से मेरे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं ना, तब से मुझे ये हो। नहीं लेकिन कुछ तो 6 महीने 1 साल ऐसा कुछ हुआ होगा? हाँ दिवाली के पहले से चल रहा है मैडम, यानी कि 1 साल के आसपास होने होना है, क्योंकि 10 महीने हो गए हैं। हाँ, और मेरी ये सिचुएशन होती है तो मेरे साथ कोई खड़ा भी नहीं रहता। मेरे दोस्त इसे बोलती है कि तूने कुछ तो किया है, तूने कुछ तो करके आई हो तुम, इसलिए तुम घबरा रही हो। कुछ तो वो भी साथ में रहते हैं। मुझे बताओ बेटा, पिछले लगभग 1 साल के दौरान वो टाइमिंग हो गया है कि आपको, आप इस दौर से गुजर रही हो, एक मानसिक स्थिति से गुजर रही हो, और आपको और क्या क्या लक्षण हैं? जैसे कि क्या आपको नींद आती है, क्या आप खाना खाते हैं टाइम पर, क्या आप किसी को अपने दिल की बात, दुख हो, दर्द हो या कुछ भी हो, वो आप सीधे सीधे बता सकते हैं? मतलब मुझे पूरी जानकारी दो आपके बारे में, और आपका रूटीन कैसा रहता है? तो मैडम दोपहर बजे तक मेरी स्कूल रहती है। स्कूल छूटने के बाद जब मैं घर में आती हूँ, मैं मेरे रूम में अकेले ही रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं काम करने जाऊँगी तो कुछ ना कुछ गलती मेरे हाथ से होगी, मम्मी डांटेगी, पापा डांटेंगे, तो मुझे वो नहीं, उनकी डांट नहीं मुझे सुननी है। फिर मैं स्टडी को बैठती हूँ तो वो मैं बार बार वो स्टडी वो रिविजन करती हूँ उस क्वेश्चन का, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं फिर से वो भूल जाती हूँ, फिर से वो डर मेरे मन में पैदा होता है, फिर मैं लिख के वो कर देती हूँ। और रही बात मेरे फ्रेंड्स की, तो ट्यूशन जाते वक्त हम साथ रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम टाइम नहीं दे पाते एक दूसरे को। अच्छा, फिर वो उसके घर चले जाते, मैं मेरे घर चली आती। अच्छा, यानी कि आपसे बात करने के लिए ज़्यादा वक्त आपके पास कोई नहीं रहता? और मम्मी भी बार बार यही बोलती है, पापा भी बार बार यही बोलती है कि हाँ ट्यूशन से आए हो, जाओ जाके पढ़ाई करो, हाँ थोड़ा फ्रेश होकर टीवी देखो फिर पढ़ाई करो, लेकिन बात करने के लिए नहीं रहता मेरे पास कोई। अच्छा, आपको नींद आती है ठीक से? नींद में भी मुझे सपने आते हैं, मतलब कल के बारे में आते हैं, ऐसे कि आज मेरे से क्या छूटा, कल मैं क्या बोलूँ, ऐसे सपने आते हैं। घबराहट होती है और नींद भी ठीक से नहीं लगती? नहीं लगती। क्या आपको एक ही टाइम पर अलग अलग विचार आते हैं और आप
उसी की वजह से भी आप सो नहीं पाते हो, ऐसा कभी हुआ है? हाँ मैडम लगभग ऐसा, और ये फिलहाल आजकल तो ये बहुत ज़्यादा होता है मेरे साथ। अच्छा, मतलब एक ही बार ऐसे आने के विचार आते हैं और आप डिस्टर्ब हो जाते और मैं हैं? कहाँ थी, कौन से विचार में थी, ये भी मुझे फिर याद नहीं रहता। अच्छा, ऐसा लगता है कि हाँ सब मुझे अब ताना मारने वाले हैं, सब मुझे अब चिल्लाने वाले हैं, मेरा मेरे हाथ से बहुत बड़ी गलती हो गई है, ये मेरे मन में चलता रहता है। इसी वजह से मैं सो नहीं पाती हूँ, मैं ठीक से खाना नहीं पाती हूँ। मैं घर वालों को बताऊँ तो कैसे बताऊँ कि मुझे ये हो रहा है, वो कल मुझे पागल समझे बेटे तो बोले कि अरे नहीं, वो ऐसा ऐसे नहीं होता सोचेंगे कि बेटा। इसको अभी बोर्ड एग्जाम का टेंशन आ रहा है इसकी वजह से ये ऐसा कर रहे, कुछ तो कारण बता रही है, पढ़ाई नहीं करनी ये इसको, ऐसा डर है ना? मेरे मन में रहता है। अच्छा, लेकिन बेटा मुझे ये बात बताओ, आपको ये जो सब होता है तो क्या आपने आपने तो जैसे कहा कि अपने घर वालों को नहीं बताया है, तो क्या आपने किसी फ्रेंड को बताया हो, किसी क्लासमेट को बताया नहीं हो? मैडम मैंने अपनी डायरी में लिखा हुआ है। अच्छा, तो हम डायरी भी लिखते हो? कब से? बहुत पहले से लिखती हूँ मैडम। अच्छा, ये अच्छी बात है, डायरी लिखना चाहिए, जो मन में आता है वो लिखना अच्छी बात होती है। लेकिन बेटा आप, ये जो कन्फ्यूजन हुआ है ना आपके मन में, इसे हम क्या कहते हैं, एक मेडिकल लैंग्वेज में इसे एनजाइटी कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये किसी के साथ नहीं होता, ये हमारे ज़िंदगी में कई बार ऐसा दौर आता है कि एक ही बार हमें इतने सारे काम करने पड़ते हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ रहती हैं, उस वक्त इंसान को हमने ये काम किया है नहीं, हमसे ये ठीक होगा तो नहीं, हो गया नहीं, ऐसे बहुत सारे ऐसे विचार रहते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ रहती है जो उसे ठीक से निभाने पर, मतलब खुद पर विश्वास नहीं रहता कि हम ये बात कर सकते हैं। उसी के चलते इंसान को ना ऐसे कन्फ्यूजन होता है, उनका उनके खाने पीने पर उसका परिणाम होता है, उनको ठीक से नींद नहीं आती, एक ही बार ऐसे अनेक विचार आते हैं और उनका उनकी नींद भी ठीक से हो नहीं पाते, इसका परिणाम उसके उनके दूसरे दिन पर होता है। और जब भी वो कोई काम करते हैं या भी या फिर जिस जगह पर भी वो जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा कुछ ना कुछ छूटा है, जबकि उन्होंने सब कुछ साथ में लिया होता है। और जो भी वो काम करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अरे हमसे ये काम ठीक से हो पाएगा भी या नहीं, कुछ गलती तो नहीं की, अगर पूरा काम 100% ओके हो जाए फिर भी उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूटा है, कुछ गलती हुई है। और कुछ ना होते हुए भी मन में वो डर हमेशा लगा रहता है, ऐसा ही होता है ना आपको? तो इसे एंजाइटी कहते हैं, आपको आप एंजाइटी से गुजर रहे हो। और बेटा बात ये है कि आप अब कौन सी क्लास में हो, 10th क्लास में हो, तो इस 10th क्लास में हो इसके लिए आपको क्या आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके माता पिता ने कभी कुछ कहा है? लेकिन फिर भी इतने मार्क्स लाने हैं, तुमको फर्स्ट आना है, ऐसा कुछ कहा है? हाँ लेकिन पापा के फ्रेंड्स के जब दो पापा के फ्रेंड्स घर आते हैं तो उनके बेटियों के बारे में जब डिस्कशन चलते हैं तो वो बोलते हैं कि वो ट्यूशन जा रही, क्लास टेस्ट में इतने मार्क लाए, तेरे वजह से तू जब तू कहाँ कम पढ़ रही है, क्या छूट रहा है तेरे से, तू अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रही क्या, तुझे तो हम टाइम देते हैं, दिक्कत है, तो ये मन में चलता रहता अच्छा, है। और मेरे बहन को भी 10th क्लास में बहुत अच्छे से वो मार्क्स से पास हुई थी, और मेरे पापा को लगता है कि मैं भी उससे ज़्यादा उसका जो रिकॉर्ड है ना वो अच्छा मैं ब्रेक करूँगी हाँ कि हाँ उससे ज़्यादा मार्क्स लाऊंगी। इसकी वजह से मेरे टीचर्स, मेरे ट्यूशन जो टीचर हैं वो भी मेरे से ज़्यादा पढ़ाई करवा के लेते हैं। फिर मेरे घर वालों स्कूल पर के वो टीचर्स का क्या स्कूल के कहना है? टीचर्स भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करके लेते हैं, और जैसे कि जैसे कि सिलेबस क्वेश्चन पेपर ज़्यादा देना, सिलेबस का वो जो पूरा रहता है कि कौन सा हाँ, टॉपिक बाय हार्ट आया करना भी है पूरा, वो एक्स्ट्रा लेक्चर्स। उसके बारे में, और इक्वेशंस जो रहते हैं उसके बारे में वो ज़्यादा मेरे से प्रैक्टिस करवा के लेते हैं, कम टाइम में कैसा क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाओ इसके बारे में भी उन्होंने मेरे से प्रैक्टिस करके लिए। उनको लगता है कि तुम कर पाओगी, तुमसे ये होता है, तुम और करो इस बारे में। लेकिन मुझे डर लगता है कि ये मेरे से होगा या नहीं होगा, मैं अच्छा उनके होप्स पूरे कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, ये मेरे मन में डर चलता है। अच्छा तो आपके टीचर्स, आपके माता पिता, सब रिलेटिव, उनको लगता है कि आपको 10th में बहुत अच्छे मार्क्स से पास होना है, और लेकिन आपको उस बात की डर लग रहा है कि इन सारे लोगों के विश्वास पर मैं सही उतरूंगी या नहीं। देखो बेटा, आप 10th में हो वो तो बात है, एक टर्निंग पॉइंट होता है हमारे एजुकेशनल एकेडमिक लाइफ में, लाइफ का, तो आपको जितने भी मार्क्स मिलेंगे उसमें आपको खुश रहना है, और आप तो कोशिश कर ही रही हो, तो इसके लिए ना कौन क्या कह रहा है, कौन हमसे कौन से एक्सपेक्टेशंस रख रहा है, इसके बारे में पहले नहीं सोचना है, पहले सिर्फ अपने बारे में और अपनी पढ़ाई के बारे में सोचना है।
ये हो गया आपकी पढ़ाई की बात, और इससे आप क्या करेंगे, जो भी क्लास टेस्ट वगैरह होते हैं, जो भी क्वेश्चन पेपर होते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप आप छुड़ाओगे, समझ लोगे, और जितना आपने याद ध्यान में रख रहता है उतना आप ध्यान में रखोगे उसका, उसके बारे में इतनी टेंशन नहीं लेनी। आज तक आप 9th क्लास तक जैसे सीखे हो, जैसे पास होते आए हो, वैसे आपको 10th भी निकालनी है, इतना कुछ बर्डन नहीं लेना है उसका। ये हमारे 1 साल का ये सवाल होता है, पूरी ज़िंदगी का सवाल नहीं होता ये, इसके लिए पूरा इतना डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात आप जो भी आपको जो एन्जाइटी है, दिन ना लगना वगैरह, उस पर हम एक उपाय कर सकते हैं जिससे आपकी एन्जाइटी कम हो और आप नॉर्मल लाइफ जिए। इसके लिए बेटा आपको जब आप सुबह उठते हो जिस भी टाइम पे, उस टाइम पे आपको नहीं उठना है, अगर आप लेट उठते हो तो आपको 6 बजे उठना है या 7 बजे उठना है। कोशिश करना है कि जितनी जल्दी से जल्दी उठ सको उठ जाओ, और उठने के बाद आपको मेडिटेशन करना है, थोड़ा योगा एक्सरसाइज करना है, और उसके बाद जो आपका रूटीन, और आपको ये कोशिश करनी है कि जैसे ही आप उठते हो तो हर चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, जो आप जो काम आप कर रहे हो उसी काम के बारे में सोचना है, ठीक है, और क्या भूला क्या रह गया इसके बारे में नहीं सोचना, बस वो जो सामने काम है वही पूरा करना है। तो सबसे पहले तो आपको योगा करना है, मेडिटेशन करना है रेगुलरली, और धीरे धीरे उसका टाइमिंग बढ़ाना है। उसके बाद अगर आप स्कूल जाओ तो जितनी सिलेक्ट करना है, आज मुझे कितना पढ़ाई करनी है, आज मुझे कौन से पेपर छुड़ाने, आज कौन सी क्लास अटेंड करनी है, बस उतना ही करना है, एक ही बार बहुत सारे काम नहीं करने हैं आपको। एक हो ये हुआ पढ़ाई के बारे में। दूसरी बात, अगर आपके पेरेंट्स वगैरह आपको बोलते हैं कि तुम्हें इस साल इतने मार्क्स लाने हैं, उतने परसेंटेज लाने हैं, तो उनको कहना है कि हाँ मैं कोशिश करूँगी और मैं उस पर पढ़ाई का काम भी कर रही हूँ, पढ़ाई भी कर रही हूँ मैं फोकस से, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि आपको जितने परसेंटेज चाहिए उतने ही ला सकूँगी, लेकिन मैं जितने भी लाऊँगी अच्छे लाऊँगी और मैं उस पर कोशिश कर रही हूँ, ये उनको विश्वास देना है। इससे आपका मन हल्का हो जाएगा और आपको कोई टेंशन नहीं होगा। रही बात रात की सोने की, तो उस टाइम पर आपको आप चाहो तो खाना कम खाना है, और खाना खाते वक्त उस वक्त पे आपको सैड नहीं रहना है, या फिर किसी बारे में सोचना नहीं है, या फिर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना है, और टेबल पर बैठ के, कुर्सी टेबल पर बैठ के खाना नहीं खाना है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके हिसाब से नीचे ज़मीन पर बैठ कर खाना है, जिससे हमारा स्टमक का भी एक्सरसाइज होता है। और मैं आपको ये कह रही हूँ कि उस वक्त मोबाइल नहीं यूज़ करना किसी के बारे में, या फिर सोचना नहीं, या फिर टेंशन नहीं लेना है। इससे क्या होता है, खाना खाते वक्त हमारा हमारी जो भी भावनाएं रहती है, हमारा जो मूड रहता है ना, उसका परिणाम हमारे पेट पर होता है, और जो हैप्पीली जब हम खाना खाते हैं तब हमारे पेट को और हमारे डाइजेशन सिस्टम पर भी उसका अच्छा परिणाम होता है, और इससे हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है, हमारा माइंड फ्रेश रहता है, अच्छा रहता है। लेकिन अगर हम खाना खाते वक्त कभी रोते हैं, कभी सैड होते हैं, या फिर किसी के बारे में सोचते हैं, या फिर बस खाना खाना है ऐसा सोच के ही खाना खा लेते पेट भरने के लिए, तो इससे हमारे हेल्थ पर, हमारे पेट पर बहुत बुरा असर होता है, और इसी का परिणाम कहीं ना कहीं एंग्जाइटी पर भी होता है। तो एक तो एक्सरसाइज, दूसरी बात जो काम करना है उस वक्त सिर्फ काम के ही बारे में सोचना है, अच्छी नींद लेनी है, और खाना खाते वक्त किसी के बारे में सोचना नहीं है, बात नहीं करनी, मोबाइल नहीं यूज़ करना, टेंशन नहीं लेना, हैप्पीली खाना खाना है। मुझे लगता है कि ये सारे जो भी मैंने ऑप्शंस आपको बताए हैं, इसको फॉलो करने के बाद कुछ दिनों के बाद, 1-2 महीने के अंदर ही आप अच्छा फील करोगे, आपको एंजाइटी होती है उससे आपका छुटकारा होने में मदद हो सकती है। और मैं कुछ दवाइयाँ भी आपको लिख के दूँगी, मतलब मैं डॉक्टर आपको सजेस्ट करूँगी, उस डॉक्टर के पास भी आप जाइए और वो कुछ मेडिसिन देंगे तो उसे भी फॉलो करिए। ये क्या होता है ना, एन्जाइटी हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं हमें इस एन्जाइटी को फेस करना होता है, लेकिन अगर एन्जाइटी 6 महीने से ज़्यादा आप एन्जाइटी से गुजर रहे हो, इस अवस्था से गुजर रहे हो, तो आपको काउंसलर के पास, डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, और आप सही टाइम पर मेरे पास आए हो। आगे से आप ठीक तो हो जाओगे? हाँ ज़रूर हो जाओगी, ये इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 6 महीने से ज़्यादा यही प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है तो आगे कहीं ना कहीं ये नुकसान झेलने पड़ते हैं मानसिक तौर पर। तो आप सही वक्त पर आई है, और मुझे विश्वास है कि इस एंजाइटी से आप जल्दी बाहर निकल जाओगे। और 10th, आज अब तो 10th से आप 10th क्लास से हो आप, आगे आपको 12th आएगी, उसके बाद कई और परीक्षाओं का आपको सामना करना पड़ेगा, तो फिर से आप ध्यान रखिए कि आपके साथ, आपको इस एंजाइटी के साथ फिर से गुजरना ना पड़े, ठीक है। आपके मानसिक, जैसे हम आपके अपने हेल्थ का विचार करते हैं, हेल्थ की स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, वैसे हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य के भी बारे में सोचना चाहिए।
और आगे से ध्यान रखोगे, इतना सारा बर्डन नहीं लोगे, इतना सारा टेंशन नहीं लोगे, ठीक है? अच्छे से पढ़ाई करना और बाद में मुझे मिलना और मुझे बताना कि तुमने ये सारे मुझे ऑप्शन बताए हैं आपको, वो सारे फॉलो किए कि नहीं, और उसका परिणाम आपके एनजाइटी पर कैसा हुआ है, एनजाइटी कम हुई है नहीं, फिर से मैं मुझसे बात करना या फिर आप कॉल करके बताओगे तो भी चलेगा, ठीक है? अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना, जितने मार्क्स मिले उसमें खुश रहना। चलो बेटा, मिल रहे फिर। हाँ हाँ चलो बाय। तो दोस्तों, अब हम एक स्टूडेंट से मिले थे जो एक एनजाइटी से गुजर रही थी। इस एनजाइटी के वजह से वो अपने स्टडी पे ना फोकस कर पा रही थी, ना किसी और कामों में फोकस कर पा रही थी, और वो स्टूडेंट 10th क्लास में पढ़ती थी। इसके लिए टीचर्स का दबाव और फैमिली के एक्सपेक्टेशंस, इसके वजह से उसके मन पर दबाव आ रहा था और वो टेंशन से गुजर रही थी। इस वक्त हमने उस स्टूडेंट से बात की, उससे जो भी दिक्कत आ रही है, जिस भी अवस्था से गुजर रही है, जो परेशानी वो फेस कर रही है, वो सारी परेशानी जानने की कोशिश की। और उसके बाद हमने उसे ये बताया कि वो एंजाइटी से गुजर रही है और इस एंजाइटी से बाहर निकलने के लिए वो क्या क्या कर सकती है, इस उपाय का भी उसे हमने जानकारी दी और उस स्टूडेंट को ये विश्वास दिलाया कि वो इस उपायों का अगर वो इस उपाय को जो अगर वो फॉलो करती है तो जल्दी से एंजाइटी से वो बाहर आ सकती है। ये केस स्टडी करते वक्त हमने कई स्किल्स का भी उपयोग किया, जैसे कि ऑब्जर्वेशन, लिसनिंग, क्वेश्चन पूछना, रिस्पॉन्स, उसके बाद हिस्ट्री टेकिंग, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऐसे कई स्किल्स का उपयोग करके हमने ये केस स्टडी संपन्न की है। धन्यवाद।